Mohammad Abdullah sir. Please welcome. Sir, aaiye aapka intezaar tha. Aaiye aapka intezaar tha. तालियां बजती रहनी चाहिए। सर एक बार और के बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए हैं। तो बस जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, तो अब हमारा कोई काम यहाँ नहीं, आप लोगों का काम है। प्लीज थैंक यू सो मच एंड हैव सीट। आज के इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में भी और साथ ही साथ हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट की तरफ से मोटिवेशनल सेमिनार में आए हुए मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं वैसे तो कभी बना नहीं चीफ गेस्ट एक्चुअली, तो चीफ गेस्ट पहली बार बना हूं तो बड़ा सौभाग्य फील कर रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आई थिंक इट्स फर्स्ट टाइम एज अ गेस्ट। वैसे हॉस्ट तो हम लोग मेजबान कई बार रह चुके हैं, मेहमान पहली बार बनने का मौका मिला है। तो मैं तो कहता हूं सबसे पहले सर जी के बारे में कि जो ये बेटियों के बारे में मतलब लड़कियों के बारे में सशक्तिकरण की जो इन्होंने प्रोग्राम कर रहे हैं, एनएसएस का कैंप जो लगा रहे हैं, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब सर हमारे ऑफिस में आए तो बताया कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लड़कियां सबसे पहले अपने जीवन के बारे में समझें, अपनी ताकत को समझें कि घर से बाहर निकल के हम कैसे रहते हैं और हमारी ताकत हमारी क्षमता क्या है। इसलिए मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी मेहनत है, बहुत ही अच्छी लगन है, बहुत ही अच्छा डेडिकेशन है कि जो आप लड़कियों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी बड़ा पसंद है लड़कियों के लिए कुछ करना। अब मैं आता हूं सबसे पहले, देखिए कोई भी कार्यक्रम कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता बिना किसी टीम के, बिना कुछ लोगों के डेडिकेशन के, बिना कुछ लोगों के सपोर्ट के। इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए मैं क्या हूं, मैं बाइक से आया, आराम से आया, मतलब मेरा स्वागत हुआ, फूल माला पहनाया आप लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा, जैसे लग रहा है दूल्हा बन गया हूं। तो अब ये दूल्हा बनाने के पीछे कुछ लोगों का हाथ होता है एक्चुअली। वैसे तो जब हम रियल में दूल्हा बनते हैं तो एक दुल्हन हमारा इंतजार कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और वो कुछ लोगों की वजह से पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ पे हमारे एमडी सर मुकेश सर बैठे हुए हैं। जब जब प्रोग्राम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो मैं कुछ उसमें मेहनत नहीं करता, लेकिन मुकेश सर आते हैं टाइम से, वो मेहनत करते हैं। जितेंद्र सर हमारे बैठे हैं साथ में, ये मेहनत करते हैं। जसवंत सर हैं, विशाल सर हैं, मंसूर सर हैं, विकी सर हैं, मतलब ये जो हमारी टीम है ये सबसे पहले मेहनत करती है। तब जाके मैं सज धज के आता हूँ, फूल माला पहन के डायरेक्ट माइक हेड पे लगाता हूँ और बोलना शुरू कर देता हूँ। इसका मतलब मेरी कोई मेहनत नहीं है, जो एक्चुअल में मेहनत है ये इन लोगों की वजह से, ये इन लोगों की वजह से जो मैं स्टेज पे आके मुस्कुरा के कुछ बोलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया है। और साथ में कहते हैं कि अगर खेल मदारी वाला खेल दिखा रहा हो, अगर वहां पे कुछ लोग ना हो देखने के लिए, तो वो खेल किसी काम का नहीं होता है। क्योंकि खेल मदारी खुद खेल दिखा के देखेगा, इसका मतलब वो पहले से जानता है कि मैं खेल क्या दिखाने वाला हूँ। इसका मतलब अगर मैं एक खेल मदारी हूं, अगर कोई खेल दिखाने वाला आज हो, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे सामने कितनी ऑडियंस बैठी है, मेरे सामने कितने लोग बैठे हैं। आज सबसे ज्यादा आप लोगों का भी मैं शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से ये स्टेज और ये माइक मुझे मिला हुआ है। इसका मतलब जब आप मुझे सुनते हैं, मेरे लिए ताली बजाते हैं, वैसे अभी तो नहीं बजाए हैं, बाद में बजा दीजिएगा, मेरे लिए जब आप ताली बजाते हैं, देखो बजाए ना, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मेरे लिए जब आप ताली बजाते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मां कसम बहुत एनर्जी मिलती है, मन करता है और बोले और नाचे और गाए और आप लोगों को कुछ बताएं। तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरा बैग कहां है रिजवान सर? अरे भैया मैं कहा था स्टेज पे लाना मेरा बैग, यार क्या है सर? और इसमें एक बॉटल है, बॉटल में पानी भर के लाई जा रही है, नहीं है खुरमा उसमें नहीं, खुरमा खुरमा आएगा, टेंशन नहीं है, खुरमा तो नहीं अभी। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कुछ इस रूप में कि आपने ही बनाया मुझे इस तरह, आपने ही बनाया मुझे इस तरह, आपने ही सजाया मुझे इस तरह, आपने ही
बनाया मुझे इस तरह, मैं तो कहता हूँ कि आप हैं महान। लेते रहते हैं सबसे कुछ न कुछ ज्ञान, मैं तो कहता हूँ कि आप हैं महान। लेते रहते हैं सबसे कुछ न कुछ ज्ञान, लेते रहते हैं सबसे कुछ न कुछ ज्ञान। आपकी ही वजह से यहाँ हूँ खड़ा, आपकी ही वजह से इतना मैं बढ़ा। आपकी ही वजह से यहाँ हूँ खड़ा, आपकी ही वजह से इतना मैं बढ़ा। आपकी ही वजह से है स्टेज माइक, आपकी ही वजह से कॉन्फिडेंस की फ्लाइट। आपकी ही वजह से आई नो हाउ टू राइट, आपकी ही वजह से आई नो हाउ टू लाइट, आपकी ही वजह से आई नो हाउ टू लाइट। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आओ करते हैं आपस में कुछ बातचीत, आओ करते हैं आपस में कुछ बातचीत। फेलियर को छोड़कर लेते हैं अपनी जीत, फेलियर को छोड़कर लेते हैं अपनी जीत, लेते हैं अपनी जीत, हाँ लेते हैं अपनी जीत। फेलियर को छोड़कर लेते हैं अपनी जीत। तो मैं मतलब थोड़ा सोचता हूँ गाता भी रहूं ताकि आप लोग भी जाने यार कलाकार तो है बंदा है, क्योंकि वो कुछ देर बाद भूलने वाला होता है। बाद में जब वो भूल जाता है तो इस इंसान से आके बार बार कहते हैं, जो मैं तुझे बताया था बताना मुझे, जो मैं तुझे बताया था बताना मुझे, तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो सामने वाला एक मोहल्ले वाला आदमी आता कहता, भैया तू किससे पूछ रहे थे और बहरा है यार। अरे तू इसे बताया था तू भूल गया, तू जिसे बताया था वो भी बहरा था, लेकिन आज ना मैं भूलूंगा और ना आप बहरे हैं। इसका मतलब कि आज जो मुझे याद है वो मैं भूल नहीं सकता जिंदगी में। आज जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप उसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे कोई भी कान से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अरे आपको समझने की जरूरत है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तो हूँ। अरे तो सबसे पहले हमें कुछ देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं जब आता हूँ स्टेज पे तो थोड़ा सोचता हूँ पहले आपका दिमाग खोलो, यही सबसे बड़ी चाइना की दीवार यहीं पे लगी हुई है। अरे ये जब तक गिरेगी नहीं ना अगल बगल वाली चाइना की दीवार, तब तक हमारे दिमाग में हमारे मस्तिष्क में कुछ आएगा ही नहीं। तो हमें क्या समझना है, ये चाइना की दीवार को गिरना है सीरियसली। वेल लेट मी टेल यू समथिंग, ऑलराइट। घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जो भी कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, ये देखो अब इसको मैं थोड़ा और जोर से पटका, देखो और ऊपर गया इसको मैं, या जोर से पटका और जो पाएगा ले लेगा, कोई बात नहीं। अब इसका मतलब कि इसको मैं और जोर से पटका तो ये और ऊपर गया। जिंदगी में आप जितना जोर लगाते हो उतना ज्यादा आपका जो संघर्ष होता है, आपकी जो मेहनत होती है, उछल के बोलती है यस आ गया मैं यहीं पे हूं। इसका मतलब जब ऊंचाइयों पे गया और फिर नीचे गया, इसका मतलब आपको समझना होगा कि आप जो चीज अपने दिमाग में सोचते हो नेचर भी वही सोचता है। नेचर इज नॉट डिफरेंट देन यू, आपसे नेचर अलग नहीं है, ये नेचुरल चीज है। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ये नेचुरल चीज है, इसको आप नहीं हटा सकते। लेकिन आपको समझना होगा कि जिंदगी में जो आप अपने मस्तिष्क में, जो दिमाग में अपने सोचते हो, जो जहन बनाते हो, जो मानसिकता बनाते हो, जिंदगी में वही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही चीज नेचर आपको थ्रो करती है। यहाँ पे आप बैठे हैं कुछ ना कुछ उम्मीद लेके बैठे थे, तो आपने कुछ सोचा, अब आपने तो सोच लिया, आपने जोर भी लगाया, अब मैं आपको थ्रो कर रहा हूं। लो आपने जो सोच के बैठा था, लो इट मींस आई एम हियर फॉर गिविंग यू, मैं यहां पे हूं आपको देने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। इसका मतलब इफ यू आर रेडी, अगर आप तैयार हैं तो मैं भी देने के लिए तैयार हूं। अगर आप तैयार हैं तो भगवान भी बैठा है, खुदा भी बैठा है, कह रहा है यस इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम जिंदगी में मेहनत करोगे तो मैं भी तैयार हूं तुम्हें देने के लिए जो तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो। सिंपल सी बात है, इट मींस यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ नेचर। और आपको जिंदगी में समझना होगा कि जो नेचर का लॉ है उसे बहुत ज्यादा समझना होगा। जिंदगी में देखो उम्मीद अगर ना हो,
अक्सर क्या होता है कि हम उम्मीद छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलो अब तो मरने का मन कर रहा है, अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे जिस लड़की से प्यार किया था धोखा दे दी, अरे मेरी गर्लफ्रेंड बेवफा निकली, बेवफा। अरे तो अब उतनी टाइम आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं सिर्फ एक हल्के से उतार के कारण। अगर उम्मीद ना हो, आप अक्सर जाते हैं रोड पे, कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो दो गट्टी पालक का साग लेके बैठे होते हैं, उनको ये उम्मीद होती है कि कोई आएगा और मेरा पालकी का साग खरीदेगा और मुझे 10-15 रुपया मिलेगा और फिर मैं अपने घर में जाऊंगा, खाना और भोजन बनेगा। इसका मतलब आपको समझना होगा, अगर एक रिक्शा वाला एक ठेला वाला अपने घर से जब रिक्शा लेके निकलता है तो इस उम्मीद में निकलता है मुझे कोई मिलेगा 50 रुपया 100 रुपया वहां से मुझे मिलेगा और मैं उसको अपने घर पे लेके आऊंगा। आप यहाँ पे बैठे एक उम्मीद के साथ कि मोहम्मद अब्दुल्ला आ रहे हैं, हमें इस तरह से ऐसी कोई बात बता सकते हैं, हो सकता है कि जो हमारे दिमाग में जोर कर जाए, हो सकता है हमें शोर पर लेके चले जाए। इसका मतलब आपको समझना होगा कि उम्मीद लाइफ में अब जब छोड़ देते हैं आप तो आपके साथ कुछ रहने वाला नहीं होता है। इट मींस नेवर लीव द होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में कभी भी उम्मीद की किरण ना छोड़ो, क्योंकि जैसे सूरज की किरण यहाँ पे आपके सामने आ रही है उसी तरह से आपकी उम्मीद की किरण होती है। ये तो वाइटमिन डी आपको देती है, लेकिन अगर आप अपनी उम्मीद को छोड़ दिए तो वाइटमिन डी वाइटमिन सी वाइटमिन ए कोई वाइटमिन नहीं मिलेगी आपको। इसका मतलब टोटली यू विल बी ब्लैंक कैन ओ माई केयर, फुली लेजी, सुस्त हो जाओगे जिंदगी में। बात आ रही समझ में आ रही कि नहीं? प्रॉब्लम नहीं, आप लोग महान है, कहां से प्रॉब्लम हो सकती है। देखो इंसान, वैसे बोलते बोलते मैं बहुत ज्यादा चला गया, ऐसा झेलने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। अरे धूप भी लग रही, कहेंगे कि आप बार बार वही है, यस 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 वाला मामला, तो यस यस नहीं करेंगे, थोड़ा नो 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 भी करेंगे, नो 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 एंट्री। अरे अब देखो लाइफ में एक चीज ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा हम जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो अपने आप को दोषी ठहराने की बजाय हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, दूसरों को बार बार कहते हैं कि हमारे पास ये समस्या है, हमारे पापा ने ये नहीं किया, हमारे परिवार में दिक्कत, हमारे कॉलेज में दिक्कत है, कोचिंग में दिक्कत है, टीचर्स में दिक्कत है। कहते हैं कि नहीं आप लोग? कहते हैं। हम लोग को भी कभी कहते हैं, अरे मुकेश सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, अंग्रेजी बोलना तो था लेकिन नहीं बोल पाए, ऐसा कहते हैं क्या आप लोग? हाँ नहीं कहते। इसका मतलब देखो आपको समझना होगा, क्या क्या समझना होगा पता है, कि आप यू आर द मेन रीजन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी समस्या की खुद जड़ो, समस्या का कारण आपका कौन है? आप हो। इसका मतलब कि आपके पास लाइफ में जीवन में कोई भी समस्या, आप इतने जितने लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब को छुड़ाए, जो हमारे छोटे थे डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको छुड़ाए और दो चार लड़के लड़कियों को और छुड़ाए, यहाँ पे सब लोग ऐसे बैठे हैं जो 18 से 19 साल के हैं। इसका मतलब डिसीजन लेने की आपको क्षमता है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी, आपको अपने दिमाग को यूज करने की कैपेसिटी है, तो आप अपने दिमाग को यूज नहीं करते। आप बार बार कंफ्यूज रहते हैं, बार बार एक्सक्यूजेस देते हैं, बार बार एक्यूज करते हैं दूसरों को, बार बार ये कहते हैं कि मेरी असफलता का कारण कोई और है, मेरे फेलियर का कारण कोई और है। एक्चुअल में जीवन में ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप ही अपने कारण हो। जैसे मैं इस गाने के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, जरा सुनिएगा कि तू ही मिट्टी, पहले सुनो, तू ही मिट्टी तू ही पानी तू ही रानी तू ही राजा। आ रहा है मजाक नहीं? तू ही मिट्टी तू ही पानी तू ही रानी तू ही राजा, तू ही हिम्मत तू ही ताकत तू, सॉरी, तू ही हिम्मत तू ही ताकत तू तू ही महाराजा। कनेक्शन हो गया। तू ही महाराजा, तू ही तो है तेरी समस्या, तू ही तो है तेरी परेशानी, तू ही है तेरी दिक्कत, तू ही है तेरी हैरानी हैरानी हैरानी, तू ही है तेरी समस्या, तू ही है तेरी परेशानी, तू ही है तेरी दिक्कत दिक्कत दिक्कत, तू ही है तेरी हैरानी हैरानी हैरानी, तू ही है तेरी बीमारी, तू ही है तेरी लाचारी, तू ही है तेरी कमजोरी, तू ही है तेरी बेगारी बेगारी बेगारी। अब देखो गाने से कुछ समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? तू ही तेरी हिम्मत है, तू ही तेरी ताकत है, तू ही तेरी बीमारी है, तू ही तेरी लाचारी है। यहां से अगर आप पैरालाइज हो गए तो दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सही कर पाए, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। तू ही है तेरा भोजन,
तू ही है तेरी थाली, तू ही है तेरा गोवा, तू ही तेरा मनाली, मनाली ओ तू ही तो तेरा भोजन, तू ही है तेरी थाली, तू ही है तेरा गोवा गोवा गोवा, तू ही है तेरा मनाली। मनाली जानते हो ना, गर्मी में बड़ी ठंडी जगह है जहाँ बर्फ रहते हैं, और एक जवानी है दीवानी मूवी आई थी उसमें दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर वहां पे जाते हैं मनाली में, मैं अब ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब देखो क्या कोई आया और ये कंचा है ये मेरे सामने कहीं पे एक रख दे, ज्यादा दूर मत रखिएगा ताकि, ठीक है ये देखिए एक कंचा है, थोड़ा कंचा खेलते हैं। ओके हाँ हाँ हाँ, कंचा खेलते देखते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं, वो माइक में दिक्कत है नहीं लगेगा नहीं लगा, मिस्टेक, इसको थोड़ा निकाल लेते हैं, थोड़ा अच्छे से खेलते हैं, ठीक है हो सकता है लग जाए, चलिए बहन फिर देखते हैं दूसरा वाला, दूर है ज्यादा, चलो कोई बात नहीं ट्राई करते हैं, मिस्टेक, फिर से देखते हैं नहीं लगा, नहीं लगा, लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला तो लग ही जाएगा, लगा ना यार, मैंने यहां पे एक कंचा रखा था और छह कंचे मारे नहीं लगा, इसका मतलब कि मेरी जितनी आशा थी कंचा मारने को, इसे घर पे ट्राई करके आया था, बड़ा लग रहा था घर पे, नहीं लगा, बड़ी दिक्कत है, बेइज्जती मेरी होगी, क्या दिक्कत है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, कंचा मैंने छह मारा नहीं लगा, वही हमारे साथ होता है, हम एक बार फेल होते हैं कहते हैं फेल हो गए, दोबारा फेल हो गए, अब कंचा मारना बंद कर दिया, लेकिन अगर मैं लगातार मारता तो कोई ना कोई तो कंचा लगता, कोई ना कोई कंचा लगता, इतना भी मैं पागल नहीं हूं कि एक कंचा ना मार पाऊं, उसी तरह से जिंदगी आपकी होती, कोई रिस्क लाइफ में लेते हो, एक बार फेल होते हो ओके यार, दोबारा फेल होते हो ओके यार, तिबारा फेल होते हो ओके यार, लेकिन आप चौथी बार में पांचवी बार में छठी बार में तो पास भी सकते हो, कंचे की तरह बॉल की तरह, जैसे सचिन और धोनी और बात आ रही सब एकदम क्लियर, तो आप कितनी बार फेल हुए, फेल होते हो लाइफ में, फेल होते हो या नहीं फेल होते, फेल होते कि नहीं, फेल होते हैं लाइफ में, फेल होना भी जरूरी है लेकिन फेलियर के साथ साथ पास होना भी जरूरी है, बिकॉज फेलियर का मतलब क्या होता है, फेल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं लाइफ में, बात आ रही है समझ में। अच्छा थोड़ा एक बार सबको देख लेते हैं, बड़े अच्छे आप लोग लग रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि आप लोग को देख के भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा सोच मिलती है, कैसे आप, कैसे आप जी, आप कैसे हैं, कैसे हैं। अब देखो मैंने चार लोग से हाथ मिलाया, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, पीछे वाले ने हाथ नहीं मिलाया, इसका मतलब अगर आप जिंदगी में दोस्ती बढ़ाना चाहते हो, जिंदगी में नेटवर्क बढ़ाना चाहते हो, तो लोगों के पास जाओ, अपना हाथ मिलाओ, गले मिलो, तब लोग आपकी करेंगे, तब लोग आपसे हाथ मिलाएंगे, कि जैसे मैंने इनसे मिलाया इन्होंने मुझसे मिलाया, इनसे मैंने नहीं मिलाया इन्होंने मुझसे नहीं मिलाया, इट मीन्स दैट आपको समझना कि आपको लोगों के पास जाना है और वहां पे खाना खाना है। ऑलराइट, आप लोग शादी में जाते हैं, शादी में, शादी में जाते हैं, शादी में कभी कभी मेरे साथ क्या होता है, अभी हम लोग भी गए थे, ये विक्की सर के घर शादी थी, तो हम जितेंद्र से मुकेश थे, हमने कहा कि आइटम छोड़ना मत, जितना आइटम है सब, रात में मुझे नींद नहीं आएगी अगर कोई भी छूट जाएगा, और एक फल वाली आइटम तो हमने एक प्याली खाई, दोबारा दूसरी प्याली भी खा ली, हमने कहा कि टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी दिक्कत में रहता हूँ अगर कोई भी आइटम छोड़ जाता है, तो आई थिंक दैट उसी तरह आप यहाँ पे, शुक्रिया, आप यहाँ पे जो लगातार कंटिन्यूअसली बैठा रहेगा जब तक सेमिनार चलेगा, वो इसका मतलब सलाद भी पाएगा, आइसक्रीम भी पाएगा, पूरी सब्जी भी पाएगा और चटनी भी सब कुछ पाएगा, इसका मतलब आपको टाइम के साथ चलना होगा, शादी में जैसे पहले स्नैक्स लगते हैं नाश्ते, फिर मेन भोजन आता है, लेकिन आप लोग नाश्ता ही खाए निकल लिए, मेन भोजन जब तक मामला आया तो आप टाइटिश हो गए, मेन भोजन का भी इंतजार करना बैठ के मेरे दोस्त, और भाई बात आ रही समझ में, दिक्कत
आज आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे एक आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्या एक डिफरेंस बताइए इस सेमिनार। भरोसा का होना बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम जो सेमिनार कर रहे हैं वो एक विश्वास के साथ कर रहे हैं, एक बिलीफ के साथ कर रहे हैं, एक ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं। क्यों हमें आप अपना टाइम क्यों देंगे? सवाल आपके मन में उठेगा कि भाई हमारी उम्र का तो ये भी लड़का है, हम बीए बीएससी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है बीकॉम किया हूं, तो मैं हाँ बीकॉम किया हूं, तो आपको भी लगेगा हमें हम अपना टाइम इतना कीमती जो हमारा है, जो संडे को हम लेट कर सीरियल देखते हैं, सुनते हैं और व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, थोड़ा टिकटॉक पे घूमके दिखाते हैं, हम क्यों अपना टाइम इसको दें? इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि हमारे और आपके बीच में एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है कि हाँ मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बैठी हूँ, मुझे कुछ यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब एक विश्वास है या नहीं है? नहीं है ना। सफर में जब आप निकलोगे तो कठिनाई भी होगी, दवाई भी होगी, मलाई भी होगी और चूड़ियों से लिपटी हुई कलाई भी होगी। अब आप जहां जिस तरफ घूमना चाहो उस तरफ घूम जाओ सफर में, क्योंकि आपको सारी चीजें मिलने वाली है। सफर रंगीन भी होगा और रंगहीन भी होगा, सफर में कलर भी होगा, सफर में कलरलेस भी होगा मामला। आपको तय करना है कि आप किस मोड पे, किस टर्न पे जाना चाहते हो। सी एक मैं एग्जांपल कई बार देता हूं, मुझे इस कुर्सी पे जाके बैठना है तो मैं एक इसको डायरेक्टली चल के ऐसे जाऊं और यहां पे ऐसे आराम से मैं ऑलराइट बैठ जाऊं, थोड़ा बैठने का मन कर रहा था एक्चुअली, तो मैं बैठ गया, आराम से बैठ गया मैं। अब एक तो मुझे इस कुर्सी पे आना है तो मैं कुर्सी दूर जा रही है, देखना कुर्सी दूर जा रही है, अच्छा खालू हाँ रामू काका कुर्सी मुझसे दूर निकलती जा रही है। ध्यान दे रहे हो कि नहीं? जो मंजिल का हमने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया था, उस मंजिल की तरफ हमें अपनी सोच से, अपने फोकस से, अपने पूरी डेडिकेशन से चलना है। वहां पे बीच में ना रामू काका, ना रामू काकी, ना ये भैया, ना वो बहनी, ना वो चाचा, ना वो मामा, क्योंकि आपके पास ही वो सोच है, वो दिमाग है, क्योंकि आपको अपने मंजिल को तय करना है। जिंदगी में आपके सिवा आपकी मंजिल को कोई तय नहीं कर सकता। जिस दिन आप ये सोच के कि आपको अपनी मंजिल को तय करना है, यू विल अचीव योर गोल इन one second, one minute, one day. You need to understand, आपको समझने की जरूरत है जिंदगी में, क्योंकि आपसे बड़ी ताकत किसी के पास इस दुनिया में नहीं है, आपसे बड़ी ताकत किसी के पास इस दुनिया में नहीं है। आपको जो खुदा ने, जो भगवान ने दिल और दिमाग दिया है, जो बॉडी दी है, वो दुनिया में किसी के पास है नहीं, दुनिया में किसी के पास है नहीं, क्योंकि आपको ये चीज समझना होगा। लेकिन आप इतने बड़े आज भी हो गए, आप अपना डिसीजन अपने आप से ले नहीं पाते हो। आप जब डिसीजन लेना होता है ना, तो चाची के पास चले जाते हो, किसी चाचा के पास चले जाते हो, किसी पिया के पास चले जाते हो, वो आपको इतनी चीजें बताते हैं, आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हो, बार बार गिरते हो, क्योंकि जो आपने मंजिल तय की थी उस मंजिल से वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, गुमराह कर दिया। आप उस मंजिल तक जिंदगी में आप कभी पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आप भटक चुके हो किसी की और सोच से जिंदगी में। इफ somebody distracts you in your life, you can never go where you reach. You need to understand. आपको समझने की जरूरत है। आप ही determine करोगे, आप ही तय करोगे, और आपको ही अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने जुनून से उस मंजिल तक पहुंचना होगा मेरे दोस्त। आपको कोई पहुंचा नहीं सकता उस मंजिल तक। यहाँ पे मैं भी हूँ खड़ा, हूं बहुत बड़ी बड़ी बात कर सकता हूँ। I can talk big like a motivational speak, but can never take you to your destination. मैं आपको आपकी मंजिल तक कभी जिंदगी में पहुंचा नहीं सकता। बिना पर्पस के लाइफ कुछ नहीं होती है। जब आप सुबह नहा धुल के तैयार होके अपना बैग, अपनी कॉपी, अपनी किताब लेके निकलते हो, तो एक उद्देश्य होता है जिंदगी में, एक मतलब होता है कि मैं जिस कॉलेज में जा रहा हूं, मैं जिस कोचिंग में जा रहा हूं, वहां से कुछ लूंगा, वहां से कुछ सीखूंगा, वहां से कुछ पाऊंगा। क्योंकि आज अगर अपने आप को आप पॉलिश कर दिए, अगर आप अपने आप को आज फर्निश कर दिए, जिंदगी में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप एक दिन उस ऊंचाई पे जाके चमकोगे और वहां से जब सबको बोले पे हाय, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आप इसी तरह से डगमग 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 डैया में रह गए, तो कभी नहीं छुक 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 चल मुंबईया हो पाएगा। इसका मतलब आपको डगमग 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 डैया में नहीं रहना मेरे दोस्त। यू विल फेल, यू विल फॉल। आप फेल हो जाओगे, गिर जाओगे। इसका मतलब आपको कौन पहुंचा सकता है आपके मंजिल तक?
एवरीबॉडी से कौन पहुंचा सकता है मंजिल तक? एवरीबॉडी सब लोग कौन पहुंचा सकता है मंजिल तक? बोलो सब लोग, क्या लड़कियां, कौन पहुंचा सकता है मंजिल तक? खुद। अरे सदरी की मछली और भुट्टी की मछली नहीं पहुंचा सकते मेरे फरहान भाई। अरे ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि आप पलीना पकड़ते हैं, भुट्टी पकड़ते हैं, रोहू पकड़ते हैं, पलवत पकड़ते हैं, सिंगी पकड़ते हैं। अरे बात आ रही समझ में? आ रही समझ में? ठीक है, मैं थोड़ा सा दो चार पांच दस पंद्रह मिनट का सर आपकी आज्ञा हो तो मैं तो माँ सरस्वती बार बार ये कहती है भैया लक्ष्मी चाहिए तो पहले मेरी पूजा करो, मतलब मुझे मानो, मतलब हमेशा आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको तालीम को, इल्म को, शिक्षा को फॉलो करना पड़ेगा जिंदगी में, बिना शिक्षा के कुछ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अभी जब मछली की बात बता रहे थे तो कुछ लोगों का ध्यान फसला पे चला गया था। ओके तो अरे भैया ये सब बात भी कैप्चर कर रहे हो? अरे कहेंगे चलो बहुत बड़े लोग थे। ओके।